Bismillahir Rahman Rahim, dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmoud from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 7.6 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of 7.6 problem. the head of a pin is a square of side 10 mm के एक पिन है उसका जो हेड है यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो स्क्वायर टाइप है और उसकी एक साइड जो है वो 10 mm है find the pressure on it due to a force of 20 newton उसके हेड के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाई गई है और हमने ये बताना है कि उस हेड के ऊपर प्रेशर कितना होगा तो हमें उस पिन का जो हेड है वो क्योंकि स्केयर टाइप है और उसकी एक साइड दी गई है तो स्केयर की एक साइड मालूम हो तो हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं और एरिया जो है वो साइड जरब साइड होता है तो यहाँ से हम उसका एरिया निकाल लेंगे और फोर्स हमें दी गई है और हमें फ़ोर्स मालूम हो और एरिया मालूम हो तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं इस तरह से साइड ऑफ पिन इसको कैपिटल एल रख लें ये टेन एम है इस एम के हम मीटर बना लेते हैं तो ये एल इज इक्ल आ जाएगा टेन इंटू मिली मिली कितना होता है टेन की पावर माइनस थ्री होता है तो टेन इंटू टेन के पावर माइनस थ्री मीटर हो जाएगा और टेन को जब टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन की पावर माइनस टू रह जाएगा तो लेंथ जो है उसकी एक साइड की वो टेन की पावर माइनस टू मीटर बन गई तो अब हमने उसका हेड का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ हेड ऑफ पेन इज इक्वल टू ए वो क्या होगा साइड जरब साइड यानी एल का स्क्वायर तो ये एल कितना है टेन की पावर माइनस टू मीटर है उसका स्क्यर ले लेंगे तो टेन की पावर माइनस टू का स्केयर लेंगे तो टेन की पावर माइनस फोर बनेगा और साथ मीटर का स्क्यर आ जाएगा तो इतना हेड का एरिया निकल आया और फोर्स कितनी लग रही है उसके ऊपर ट्वेंटी न्यूटन तो फोर्स भी हमारे पास है एरिया भी हमारे पास है हमने प्रेशर मालूम करना तो प्रेशर क्या आता है फोर्स ओवर एरिया तो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू तो एफ ओवर तो ए पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट पी इज इक्ल टू ट्वेंटी न्यूट्रन फोर्स है और टेन की पावर माइनस फोर मीटर स्केयर एरिया है तो ये न्यूटन पर मीटर स्केयर बन जाएगा यूनिट और ये ट्वेंटी जो है टेन की पावर माइनस फोर जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ट्वेंटी इंटू टेन पावर फोर बन जाएगा यानी पावर टेन की ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको हम टू इंटू टेन लिख लेते हैं ट्वेंटी को और ये टेन की पावर फोर है न्यूटन पर मीटर स्क्र यूनिट है साथ तो ये टेन इस टेन के साथ मिलेगा तो टेन की पावर फाइव बन जाएगी तो प्रेशर इज इक्वल टू टू इंटू टेन पर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्र दस द प्रेशर अंडर द प्रेशर एट हेड दिन दस द प्रेसर एट द हेड ऑफ पिन इज़ 2 इन टू टेन पर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्र तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी ख़ुद भी देखें इसको और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ शाद रहें आबाद रहें